नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेन। आप देख रहे हैं यूपी टेट सीटेट मैथ क्लासेस। आज हम लोग औसत का पार्ट टू देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे औसत बराबर, औसत क्या होता है। औसत बराबर हम लोग पढ़े थे कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में संख्या, बटे में संख्या, ये पढ़े थे। एक हम लोग और पढ़े थे औसत बराबर, औसत बराबर हम लोग पढ़े थे कि पहली संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्लस अंतिम संख्या और क्या, बटे में दो। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग और बटे में संख्या। और एक हम लोग पढ़ चुके हैं औसत बराबर पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बटे में दो। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब संख्याओं में अंतर समान हो, जैसे दो, चार, छः, आठ, ऐसे ऐसे दिया है 20। ठीक, इसमें देखिए अंतर समान है, दो के बाद चार, चार के बाद छः, छः के बाद आठ, ऐसे ऐसे करते हुए 18 के बाद आएगा 20। तो इस तरह जब गैप समान होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, औसत बराबर पहली संख्या, ये पहली संख्या है और ये अंतिम संख्या है। ठीक, पहले सवाल को देखते हैं। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। इसका क्या मतलब है कि यह खुद से कटेगा, खुद से कटे, खुद से कटे और एक से कटे, एक से कटे। इसके सिर्फ दो गुणनखंड होंगे, जो खुद से कटेगा और एक से कटेगा वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। तो प्रथम पांच अभाज्य संख्या हम लोग लिख लेते हैं। पहली अभाज्य संख्या होगी दो, क्योंकि ये एक से कटेगा और दो से कटेगा। ठीक, फिर तीन, ये भी एक से कटेगा और तीन से कटेगा। फिर पांच, ये भी एक से कटेगा और पांच से कटेगा। फिर सात हो गया, एक से कट जाएगा और ये अपने आप से कटेगा सात से। ठीक, कितना हुआ, एक, दो, तीन, चार, हमको निकालना क्या है, पांच। तो सात के बाद हम लोग ले लेते हैं ग्यारह। ठीक, ये एक से कटेगा और अपने आप खुद से ग्यारह से कटेगा। ठीक, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर योग बटे में क्या होता है, संख्या। देखिए यहां पे हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में दो, क्योंकि यहां पे देखिए गैप बराबर नहीं है। दो के बाद तुरंत तीन आ गया, तीन के बाद एक का गैप है, देखिए चार के बाद आया पांच, फिर छह के बाद आया सात, फिर तीन का गैप यहां पर आ गया, सात तीन दस, फिर आया ग्यारह। ठीक, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो योग का क्या मतलब है, सभी को आपस में जोड़ लेना है। कितना आएगा, ग्यारह, ग्यारह सात, अठारह, अठारह पाँच, तेईस, तेईस दो, पच्चीस, पच्चीस तीन, अट्ठाईस। और बटे में संख्या का मतलब है कितनी बार लिखा हुआ है, एक, दो, तीन, चार, पांच बार लिखा हुआ है, तो पांच से भाग दे देंगे, काट लेंगे, कितना आएगा, 5.25, 30, 5.6, ये हमारा आ जाएगा औसत। इस सवाल को देखते हैं। 10 तथा 30 के मध्य रूढ़ संख्याओं का औसत। रूढ़ का क्या मतलब होता है, रूढ़ का भी मतलब होता है अभाज्य संख्या। ठीक, रूढ़ का मतलब भी होता है अभाज्य संख्या। ठीक, तो 10 और 30 के मध्य निकालना है, तो यहां जैसे 10 लिखा हुआ है और यहां 30 है,
तो 10 और 30 के ये बीच की वैल्यू निकालनी है, इसको छोड़ देना है ठीक, और ये बीच वाली वैल्यू हमको लेनी है। तो 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 11 जो कि अभाज्य है, फिर उसके बाद 13 है जो कि अभाज्य है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, और फिर कितना है, फिर 27 नहीं फिर 29 है ठीक। अब देखिए हमको निकालना है औसत, तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर योग बटे में संख्या होता है। तो देखिए यहां पे योग का मतलब है सभी को जोड़ लेना है ठीक, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 112, इसको आप जोड़ लीजिए 112 आएगा। फिर संख्या का मतलब जितनी बार संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 बार काट देंगे कितना आएगा, 6 एकम 6 52 होगा, 6 7 42, 6 48 6 48, 49 50 52 मतलब 4 बचा 40, 6 7 6 4 36, फिर 4 6 4 36 मतलब 18.66 हमारा आएगा एवरेज। इस सवाल को देखते हैं, लिखा हुआ है प्रथम 6 यौगिक संख्याओं का औसत क्या होगा। यौगिक का क्या मतलब होता है, यौगिक का मतलब होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को बोलते हैं यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ठीक। तो प्रथम 6, तो शुरुआत के 6 यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या 4, फिर 6, और भाज्य संख्या होती क्या है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो ठीक, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो पहली 4, दूसरी 6, फिर 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, कितना हुआ 1 2 3 4 5, अच्छे लिखना है तो 12 हो गया ठीक। हमको निकालना क्या है, औसत, औसत बराबर संख्याओं का योग, योग और बटे में संख्या मतलब जितनी बार संख्या लिखी हुई है वो ठीक। तो इन सभी का योग कितना आएगा, 6 4 10 10 8 18 18 2 20 7 27 27 10 37 37 12 49 आएगा ठीक। और कितनी बार है, 6 बार है, तो 6 से भाग दे देंगे, 6 48 10 बचा 6 कम 6 40 और 6 5 30 6 4 36 ठीक। तो आ गया 8.16, ये हमारा आएगा एवरेज। इस सवाल को देखते हैं, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, सम संख्या का औसत निकालना है। तो देखिए प्रथम 40, प्रथम 40 का मतलब शुरुआत से 40, तो शुरुआत कहाँ से होगी सम संख्या का, 2 से होगी ठीक, 2 4 6 8 ऐसे से कहाँ तक, 40 तक। लेकिन 40 तक कहा है तो यहाँ 40 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए पहली सम संख्या 2, 2 गुनी है ना गुणे 2, दूसरी 2 गुनी है गुणे 2 ठीक, तीसरी देखिए 2 गुनी है ठीक, ऐसे ऐसे यहाँ जब 40 बार आएगा तो 40वीं सम संख्या का 2 गुना आएगा, इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 80 आएगा। तो 40 सम संख्या ये हो जाएंगी ठीक। तो औसत निकाल लेते हैं, औसत बराबर देखो यहाँ पे देखिए गैप समान है, 2 के बाद आया 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसे ऐसे 78 के बाद आया होगा 80 ठीक। तो गैप बराबर है, तो पहली संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्लस अंतिम संख्या और बटे में कितना, बटे में आ जाएगा 2 ठीक। तो यहाँ पे कर लेते हैं, पहली संख्या 2 लिखा हुआ है 2, और अंतिम संख्या
80 है बटे में तो कितना हो गया, 82, 82 में 2 से भाग दे देंगे कितना आ गया, 41 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया एवरेज। देखिए ये सवाल का हो गया मेथड। अब इसको देखिए, फॉर्मूला एक होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि प्रथम, फॉर्मूला ये होता है कि प्रथम एन सम संख्या, एन सम संख्या, सम संख्याओं का औसत, औसत बराबर क्या होगा। देखिए प्रथम एन सम संख्याओं का औसत कितना होगा, एन मतलब जितना कह रहा है जितनी बार, ठीक, और उसी में एक और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, 40 में एक जोड़ दिए 41 आ गया, तो वही कह रहा है कि प्रथम एन सम संख्याओं का औसत एन प्लस वन। ठीक, को देखते हैं, 1 से 299 तक की सम संख्या का औसत निकालना है। देखिए 1 से 299 तक एक तो सम संख्या है नहीं, तो पहली सम संख्या हो जाएगी 2, फिर सम संख्या 2 के बाद 3 नहीं आएगी, 4 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 8 आएगी, ऐसे ऐसे कहां तक, 299 तक कह रहा है। लेकिन ये तो विषम संख्या है, तो इसके आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि 299 कह रहा है, इससे पहले आएंगे तो 299 की जगह 298 हो जाएगा। ठीक, तो औसत निकालना है, औसत बराबर अंतर देखिए समान है, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे गैप समान है, तो पहली संख्या 2 हो जाएगी और अंतिम संख्या 298 हो जाएगी और बटे में 2। ठीक, 298 में 2 जोड़ेंगे 300 आ जाएगा और बटे में 2 इसको काट देंगे कितना आएगा, 150 आएगा, यही हमारा आ जाएगा एवरेज। ठीक, इस सवाल को देखते हैं, 40 से 400 के मध्य सम संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक, कहां से कहां तक, 40 से लेके, 40 से शुरू करेंगे और कहां तक का, 400 तक का, 400 तक का निकालना है, लेकिन कह रहा है मध्य। ठीक, मध्य का मतलब बीच में होता है, तो हम यहां से लेके यहां तक की संख्या ले लेंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक, इन दोनों को छोड़ देंगे, हम इसके बीच की संख्या लेंगे ना, मध्य का मतलब बीच में, तो 40 के बाद क्या आएगा, 42 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर 46 आएगा, ऐसे ऐसे कहां तक, 400 से पहले क्या आएगा, 398। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, औसत अंतर समान है, 42 के बाद 46, 46 सॉरी 42 के बाद 44, 44 के बाद 46, गैप समान है, तो औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 398 और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, जोड़ लेते हैं, 8 2 10 और 9 1 10, 10 4 14 और 3 1 4, 440 आ गया, इसमें 2 से भाग दे लेंगे कितना आएगा, 220 आएगा, 220 यही हमारा हो जाएगा एवरेज। ठीक, इस सवाल को देखते हैं, लिखा है प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत। यहाँ पे हमको, अभी तक हम लोग सम संख्या निकाल रहे थे, अब विषम संख्या। ठीक, तो प्रथम 30 का मतलब शुरुआत से 30, शुरू कहाँ से होगा, विषम संख्या 1 से होता है, फिर उसके बाद 1 के बाद आएगा 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे ऐसे कहाँ तक, 30 विषम संख्या। 30 का मतलब देखिए, पहली आएगी, पहली आ गई 1, दूसरी आ गई 3, तीसरी आ गई 5, ऐसे ऐसे तीसवीं कब आएगी, तीसवीं कब आएगी, 60 पे। ठीक, लेकिन 60 तो एक सम संख्या है। ठीक, तो 60 सम संख्या है, तो यहां हो जाएगा 59। ठीक, समझ में आया, तो आइए देखते हैं, औसत निकालना है, औसत बराबर क्या होगा,
औसत बराबर होगा, यहाँ पे देखिए अंतर समान है, एक के बाद तीन के बाद पांच फिर सात, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या है 59 और बटे में 2, कितना आ गया 59 60 बटे में 2 काट देंगे कितना आएगा 30, ये हमारा आ गया एवरेज। इसका मतलब ये है कि जितनी बार कहेगा कि देखिए प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत 30 ही आया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग का औसत बराबर कितना होगा एन ही होगा, एन ही होगा ठीक। प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत जितना भी कहेगा सेम वही होगा ठीक, क्योंकि यहां पे भी देख लीजिए प्रथम 30 विषम संख्या, आंसर भी हमारा 30 ही आया है। इस सवाल को देखते हैं, 1 से 200 तक विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो देखिए 1 से 200 तक निकालना है, तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, फिर 5, ऐसे ऐसे कहां तक हमको निकालना है 200 तक निकालना है, लेकिन 200 तो एक सम संख्या है तो हम इससे पहले एक ले लेंगे मतलब 199 ठीक। तो औसत बराबर क्या होगा, गैप समान है, एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, फिर सात, फिर नौ, 11, ऐसे आएगा। तो औसत बराबर पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 199 अपॉन में 2, यहाँ कितना आ गया 200 बाई 2, एवरेज हमारा कितना आ गया 100 ठीक। इस सवाल को देखते हैं, 50 से 500 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखिए निकालना कहाँ से है 50 से लेके 500 तक ठीक, तो 50 तो एक विषम संख्या है, 50 तो एक सम संख्या है, तो हम विषम संख्या लेना है, तो 50 के बाद आएगा 51 जो कि एक विषम संख्या ठीक, 51 के बाद 53, 53 के बाद 55, ऐसे ही ऐसे हमको कहाँ तक निकालना है 500 तक, 500 एक सम संख्या है, तो 500 से पहले 499 जो कि एक विषम संख्या है ठीक। तो औसत बराबर पहली संख्या 51, अंतिम संख्या 499 और बटे में 2 ठीक, 9 एक 10 और 10 5 15, 4 एक 550 बटे में 2 कितना आ गया, काटने पे याद जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 2 पंचे 10 मतलब 275 हमारा एवरेज आएगा। इस सवाल को देखते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है हमको ठीक। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लेकर अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्रथम 10 का मतलब शुरुआत से एक से स्टार्ट करेंगे, तो एक का यहां वर्गों का औसत निकालना है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का फिर 5 का 6 का फिर 7 का 8 का 9 का और 10 का ठीक। ये हो गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, अब हमको निकालना क्या है, औसत निकालना है, तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटे में क्या होता है संख्या होती है ठीक। अब देखिए यहां पे योग कैसे निकलेगा, इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब तो योग निकलेगा, लेकिन इतने का स्क्वायर करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो आइए पहले हम योग निकालते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में, हम लोग पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, तो देखिए प्राकृतिक संख्या
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते थे? n n प्लस वन, फिर 2n+1 और बटे में 6। ठीक, ऐसे हम लोग प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालते हैं। तो यहां पे कितना है? 10 प्राकृतिक संख्या है, तो 10 फिर 10 एक 11, और यहां पे 10 दूना 20, 20 एक 21 और बटे में कितना? 6 आ जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 से काट देंगे, 3 सते 21, कितना आ गया? 11 पचे 55 और गुड़े 7, कितना आ गया? 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, कितना आया? योग आ गया हमारा 385। ठीक, तो यहां पे लिख देते हैं योग बराबर 385, और संख्या कितनी है? संख्या दी हुई है 10, तो 10 से भाग दे लेंगे, तो आ जाएगा आंसर कितना? 38.5। ये हमारा आ गया एवरेज। इस सवाल को देखते हैं। लिखा है 10 तथा 20 के मध्य प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। इसका क्या मतलब है? लिखा हुआ है 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ऐसे ऐसे कहां तक? 19 का क्यूब और प्लस 20 का क्यूब। ठीक, अब एक चीज देखिए, यहां पे लिखा हुआ है मध्य। मध्य का मतलब बीच में, तो कह रहा है 10 तथा 20 के मध्य, मतलब 10 और 20 के मध्य। मध्य का क्या मतलब है? ये इसके मध्य में आएंगे। ठीक, तो हमको ये वाली वैल्यू छोड़ देनी है और ये वाली वैल्यू भी छोड़ देनी है, क्योंकि इसी के बीच में आएगा 11 से लेके 19 तक। ठीक, ये प्राकृतिक संख्याएं हमको मिलेंगी। तो देखिए, 1 से लेके हमको 19 तक का निकालना है, मतलब 11 से लेके 19 तक का। तो हम 1 से लेके 19 तक का निकाल के, ठीक, और हम 1 से लेके 10 तक का घटा देंगे, तो हमको 11 से लेके 19 तक का पता चल जाएगा। देखते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ऐसे कहां तक? 19 तक का। ठीक, फिर उसके बाद इसमें से हमको घटाना क्या है? 1 से लेके 10 तक का, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहां तक का? 10 का क्यूब। ठीक, तो घनों का योग क्या होता है? n n प्लस 1 बटे में 2 और फिर स्क्वायर, ये होता है। n की जगह पे 19 रखेंगे, यहां पे 19 है, 20 बटे में 2, फिर पूरे का स्क्वायर, इसमें से हम घटा देंगे 1 से लेके 10 तक का। ठीक, n की जगह पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, फिर 10 एक 11 आ जाएगा और बटे में 2 इसी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये हम काट देंगे, 10 बार में कट गया, ये काट देंगे 5 बार में कट गया। ठीक, कितना आया? 19 दम्मा 190 का स्क्वायर बचा, फिर माइनस यहाँ क्या बचा? 55 का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 55 का स्क्वायर बच गया। यहाँ पे 190 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? आएगा 361 और स्क्वायर है तो यहाँ 00। ठीक, माइनस कितना आएगा यहाँ? 30 25। ठीक, इसको हम घटा देंगे, 33 075, ये आ गया। निकालना क्या था? औसत। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे में
संख्या, औसत बराबर यही होता है। योग हमारा कितना आ गया 33,075, 33,075, और बटे में संख्या कितनी आएगी 10 से 20 तक लिखा हुआ है, तो 10 से 20 के बीच की संख्या 11 से लेके 19 तक कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। ठीक, तो 9 से भाग ले लेंगे, कितना आया 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 कितना आया 60, 9 9 6 54 कितना बचा 67, 9 7 63, 45 बचा, 9 5 45, ये हमारा आ गया एवरेज। इस सवाल को देखते हैं, किसी 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 60 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, लिखा है 5 क्रमिक संख्या, पता तो है नहीं, तो मान लेते हैं पहली संख्या x और क्रमिक कह रहा है, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं x+1। ठीक, क्योंकि एक जोड़ देंगे, प्राकृतिक संख्या है, तो x+2 हो जाएगा तीसरी संख्या, फिर x+3 हो जाएगा चौथी, और x+4 हो जाएगा पांचवी संख्या। 5 कह रहा है, 1 2 3 4 5 हो गई, और ये क्रमिक भी है क्योंकि एक जोड़ दिए, फिर इसमें एक जोड़ दिए, फिर जोड़ दिए, फिर ठीक, फिर कह रहा है संख्याओं का औसत, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या, ये होता है। ठीक, तो योग, योग का मतलब जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी, 5 संख्या दी है, सभी को जोड़ लेंगे। ठीक, x+x+1, फिर x+2, फिर x+3 और x+4, x+3 + x+4, और बटे में संख्या कैसे लिखते हैं, जितनी बार लिखी रहे उतनी संख्या हो गई, तो 5 बार है तो 5 नीचे आ गया। और एक चीज देखिए, औसत, औसत बराबर दिया हुआ है 60, तो औसत की जगह पे हम लिख देंगे 60। ठीक, तो कितना आ गया 60 बराबर कितना आ गया, 1 2 3 4 5x है, तो 5x+, इसको जोड़ लेंगे, 1 2 1 3 3 4 3 7, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 आ गया। ठीक, 10 और बटे में 5 है। ठीक, कितना आ गया, यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं, कितना आया x+2 बचेगा, x+2 और बटे में कितना 5, 5 से 5 कट गया, कितना आया x=60, और इधर प्लस में है 2, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2। ठीक, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 58। ठीक, इसका क्या मतलब है, ये देखिए x की वैल्यू 58, और यहाँ पे हम पहली संख्या जो मान्य है वो भी मान्य है x, तो x का मान 58 आ गया। ठीक, ये सबसे छोटी संख्या है, और सबसे बड़ी कह रहा है, सबसे बड़ी में x में 4 जोड़ देंगे, x आया 58, तो 58 में 4 जोड़ देंगे आएगा 62। ठीक, सबसे छोटी संख्या 58 और सबसे बड़ी संख्या 62। इसी सवाल को आइए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। लिखा हुआ है किसी 5 क्रमिक संख्याओं का औसत, औसत का मतलब होता है बीच की वैल्यू। ठीक, ये बीच की वैल्यू दी हुई है कितनी 60, तो बीच की वैल्यू हो गई 60, और 5 संख्याएं हैं। ठीक, याद रखिए यहां लिखा हुआ है 5 संख्या, और बीच की वैल्यू पता चल गई, औसत का मतलब होता है बीच की वैल्यू, और 5 संख्या इसका मतलब क्या है कि इसके आगे 2 संख्याएं लिखी हुई हैं और इससे पहले 2 संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक, तभी तो ये 5 होगा, 1 2 3 4 5, और 2 इधर से निकाल दो, 2 इधर से निकाल दो, बीच में जो संख्या बची है
वही तो है औसत। ठीक, और देखिए क्रमिक संख्याएं हैं मतलब लगातार, तो 60 के आगे कौन सी आएगी, 61 आएगी, और 61 के बाद आएगा 62। ठीक, इसके मतलब इधर दो वैल्यू लिखा हुआ है, अब दो वैल्यू इसके इधर भी होगा। ठीक, तो 60 से पहले क्या आएगा, 59, और 59 से पहले क्या आएगा, 58। यही तो हमारा आंसर आया था कि सबसे छोटी संख्या 58 और सबसे बड़ी संख्या 62। इसी तरीके के और सवाल हम लोग औसत के पार्ट 3 में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।